जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाहौर माइनॉरिटी के सदर वसीम भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लोगों की बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है यहाँ पर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि एहतजाज लॉन्ग मार्च हल है इस चीज़ों का? जी बिल्कुल, एहतजाज और लॉन्ग मार्च ही वाहद हल है इन चीज़ों का। पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत या निज़ाम सियासत बना हुआ है कि हम नसल दर नसल वही दो या तीन खानदान हैं कि वही जो है बरसरे इक्तदार हर दफ़ा आते हैं, और पीछे जो पसे पर्दा हम हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान बना हुआ है तो इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं। इसी दफा भी खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया था तो कोई हल नहीं निकला, आप क्या समझते हैं इस बार भी कोई हल निकलेगा? लेकिन इंशाल्लाह पिछली दफा कुछ और सिचुएशन थी, अब पाकिस्तान की 22 करोड़ ऑलमोस्ट अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान के बयानिए के साथ है। अब लोगों को अवेयरनेस खान साहब ने दी है, अब लोग जान चुके हैं कि इस मुल्क के लिए कौन सा लीडर बेहतर है, कौन सा ऐसा लीडर है जो इस मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करेगा, और कौन सा ऐसा लीडर है जो खसूसन जो ईमानदार है। बाकी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, ये सारा एक चोरों का टोला है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। इन्होंने पाकिस्तान को लूट के अपनी जायदादें बाहर बनाई हुई है, गरीब आवाम वहीं की वहीं खड़ी हुई। अगर ये लोग चोर है तो खान साहब के खिलाफ भी तो करप्शन के केसेस निकले थे? नहीं, खान साहब के खिलाफ जो करप्शन के केसेस है वो बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद है। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है खान साहब के खिलाफ के जो आवाम कहे या हम कहें जी खान साहब ने ये चोरी की है। खान साहब ने कोई चोरी नहीं की। मैं 13-15 साल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हूं। हमारा एम और विजन ही यही है कि हमने इस पाकिस्तान को बदलना है, और साफ और शफाफ लीडर जो है, साफ और शफाफ हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करे, और खान साहब के अलावा ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा। शुक्रिया।